हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उपासना की दुनिया। ग्रीनरी देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा यार, क्योंकि इन पेड़ पौधों से ही तो हमारी जिंदगी, अगर सांस नहीं लेंगे हम, ऑक्सीजन नहीं देंगे तो मर जाएंगे यार। लेकिन जिंदा रहने के लिए और जीवित रहने के लिए हमारा स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम स्वस्थ नहीं है ना, तो हमारे जीवन का कोई आधार नहीं है भाई। इसलिए फिट रहो, हेल्दी रहो। उम्मीद करती हूँ उपासना की दुनिया का परिवार जितना भी बड़ा है, सब लोग बहुत हेल्दी हैं। अगर हेल्दी नहीं हो तो मैंने नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, मुझसे कांटेक्ट करिए और अपनी हेल्थ को करिए पूरी तरह से फिट। तो यार आज की वीडियो भी मैं एक बहुत ही खास टॉपिक पे लेके आई हूँ। इस पे पहले भी मैं बहुत सारी रेमेडीज अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। वो है वेट लूज। सबसे पहले ये चीज बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि हर किसी को हर रेमेडी सूट करे। अगर आपको लगता है कि आपको एक रेमेडी करके उससे फर्क नहीं आ रहा है, तो आप दूसरी रेमेडी में स्विच हो जाइए, क्योंकि हर किसी की प्रकृति आयुर्वेदा के अनुसार बहुत अलग है। हर एक किसी का शरीर, किसी के शरीर में वात की वृद्धि ज्यादा हो सकती है, किसी की पित्त की, किसी की कफ की, तो उसके लिए शरीर में तीनों दोषों का बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज यार मैं आपको दो तरह से बताऊंगी, एक आपके नॉलेज के लिए कि हम पंचकर्मा के माध्यम से जो है वेट कैसे लूज कर सकते हैं। ये आपको द्रोणी दिखाई दे रही है, यहां हम करते हैं पेशेंट्स की थेरेपी यानी उद्वर्तना और स्टीम, फुल बॉडी, बॉडी रैपिंग, टमी टकिंग। ये प्रोसेस हम प्योरली आयुर्वेदिक तरीके से करते हैं, किसी भी तरह की मशीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो आपके वेट लूज में बहुत हेल्प करेगा। अगर आगे का आपको डाइट करना थोड़ा डिफिकल्ट लगे, होम रेमेडी आप ना कर पाओ, तो बेस्ट है आप इस तरफ स्विच करिए। जो आप मतलब जितनी भी कोल्ड थेरेपी या जितनी भी आप थेरेपीज ले रहे हो, उनसे तो ये बहुत बेस्ट है, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। अब बढ़ते हैं चार्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो यार आज की हम शुरुआत करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से। मॉर्निंग ड्रिंक हमारी बहुत ही हेल्दी होनी चाहिए और बहुत ही ज्यादा जो है मतलब आपके पेट को फुल रखने वाली होनी चाहिए। तो वो शुरुआत करते हैं हम लोग जीरा पानी से। आपको क्या करना है कि एक चम्मच जो है वो जीरा पाउडर लेना है, और उसमें क्या करना है आपको, एक गिलास पानी में आप उसको सोक करके रख दें। कब? पिछली रात को। सुबह उठ के उस पानी को मिक्सी में ग्राइंड देना है और उस पानी को आपको सुबह सिप सिप करके पीना है, गर्म नहीं करना है। बहुत ही सिंपल रेमेडी थी कि एक चम्मच जीरा पाउडर पिछले दिन रात को एक गिलास पानी में आप सोक करके रख दें या एक कॉफी मग में, सुबह उठ के उसको ग्राइंड करें, पूरा जो है इक्वल हो जाए, उस मिक्सचर को आपको पीना है। ये होती है हमारी मॉर्निंग, और मॉर्निंग हमारी बहुत ही अच्छी होती है। अब बढ़ते हैं हम इसके बाद हमारे ब्रेकफास्ट की तरफ, जो हमारा 8 बजे से 9 बजे तक होना चाहिए। अब ये डाइट उन लोगों के लिए है यार जो किसी भी तरह की डाइटिंग वाइटिंग तो नहीं कर सकते, उनको रोटी ही खानी है, बट हेल्दी रोटी खानी है, तो उसके लिए उनके लिए रहेगा सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, उसमें आपको जो है तीन ऑप्शन में दे रही हूं, तीनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। या आप एक बाउल जो है मसाला ओट्स ले लीजिए, मसाला ओट्स में आप सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोगों का होगा यार मैम हम हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ रहते हैं, कैसे होगा, तो वो लोग जो बाजार में यार सफोला के ओट्स आते हैं ना पैकेट 15-15, 20-20 रुपए का, आप एक पैकेट वो भी ले सकते हैं, किसी तरह का हार्म नहीं करेगा। तो जो भी मैं इस डाइट में बताऊंगी बहुत ही बैलेंस डाइट बताऊंगी, तो आप इतना दिमाग पे प्रेशर ना डाले, रादर देन इसको यूज करें पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले यूज करो, देन वो एक नेगेटिविटी वहां पे फैलाओ कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। ब्रेकफास्ट मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट ऑप्शन है ओट्स, दूसरा ऑप्शन है आप दो इडली ले सकते हैं, मसाला इडली, घर की बनी इडली नारियल की चटनी के साथ, तीसरा जो या पुदीने की चटनी के साथ, तीसरा ऑप्शन है चीला, या आप बेसन का एक चीला ले सकते हैं उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल के, या फिर सूजी का एक चीला ले सकते हैं बहुत सारी सब्जियां डाल के। ये आपका ब्रेकफास्ट था, वेराइटी थी, ओट्स हो गए, चीला हो गया, या फिर आपके पास होगी इडली, ये तीन आपके पास ऑप्शन हो गए, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, आई थिंक मोर देन सफिशियंट है, तीनों में से कोई ना कोई चीज तो सबको पसंद होती है। अब आते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स में। तो मिड मॉर्निंग स्नैक में यार जैसे कि मैं पहले भी देती हूँ अब भी दे रही हूँ, इस बार आपको लेना है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट में क्या लेना है, दो आपको बादाम लेने हैं, दो किशमिश, दो काजू, 6 ड्राई फ्रूट्स के साथ एक बाउल लेना है आपको फ्रूट्स। कोई भी सीजनल आप फ्रूट ले सकते हैं एक्सेप्ट बनाना, बाकी आपको जो भी पसंद है एक फ्रूट ले लीजिए, फ्रूट चाट ले लीजिए, फ्रूट का सैलेड ले लीजिए, किसी भी तरह का नमक, काली मिर्च या इस्तेमाल नहीं करना है, फ्रूट जैसे हैं उसे एज इट इज आपको खाना है। अब
बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट के लंच की ओर। लेकिन आपको टाइम वेस्ट नहीं करना यार, वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना यार। क्योंकि आप देखो ना यार कि कोई भी वेट लूज थेरेपी हम बताते हैं ना, उसमें पहले हम पेशेंट्स को वो देते हैं। ये डाइट चार्ट भी पहले मैंने कम से कम 30 पेशेंट्स को अप्लाई कराया होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रकृति के। उसके बाद मैं आप लोगों तक लेके आई हूँ कि यार ये किस तरह से काम करता है। अब आते हैं लंच की तरफ, क्योंकि यार आप भूखे नहीं रह सकते, तो मैं भूखा नहीं रखूंगी। आपको दो रोटी लेनी है, मल्टीग्रेन आटे की दो रोटी लेनी है। लेकिन उस आटे में आपको डालना क्या है, उस आटे में आपको जब आप आटा गूंदोगे उसमें आपको ऐड करना है 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन। इसको आप अच्छे से जो है पीस लीजिए, मतलब इन तीनों चीजों का पाउडर बना के जो भी आप आटे की रोटी बनाएंगे आप उसमें गूंदते टाइम जो है इन तीन चीजों को ऐड करेंगे। उसके बाद अपनी दो रोटी दाल या सब्जी के साथ आप ले सकते हैं, बाकी कर्ड किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन लंच से पहले भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है जैसे ही आप लंच करें उससे पहले आपको एक बाउल सैलेड लेना है, लगभग 100 ग्राम। इसमें अलग अलग तरह के सैलेड ले लीजिए और उसके बाद अपनी 2 चपाती और साथ में सब्जी और अपनी दाल ले सकते हैं। दोनों चीज़ें भी ले सकते हो, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दोनों भी ले सकते हो। 2 से चपाती को एक्सीड नहीं करना है। अगर आपको भूख 1 चपाती की हो तो आप ज़रूरी नहीं है 2 लो, 1 चपाती भी ले सकते हो। अब बढ़ते हैं मिड इवनिंग स्नैक की तरफ। यार उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका काढ़ा। काढ़े के ऑप्शन 2 हैं, या तो आप उसमें डालिए 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच मीठी सौंफ जो हरी वाली सौंफ आती है, और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। उसमें जो है इन तीनों चीज़ों को आपको करना है 1 गिलास पानी में अच्छे से बॉयल। जब वो पानी आधा रह जाए उसमें आपको ऐड करने हैं 4 से 5 पुदीने के पत्ते और साबुत धनिए का 1/2 चम्मच, और फिर से उसको बॉयल करना है। जब वो 1/4 हिस्सा रह जाए, यानी कि इतना सा रह जाए और वो अच्छे से काढ़ा बन जाए, उसको आपको चाय की तरह सिप 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 करके पीना है। ये है आपका मिड इवनिंग स्नैक। लेकिन इस स्नैक के साथ यार भूख तो लगी होगी, अभी हमने सुबह से क्या खाया था ऐसा। तो इस टाइम पे आपके पास 3 ऑप्शन है, या ब्राउन ब्रेड का एक सैंडविच ले सकते हो, जैसे 2 टोस्ट किया, बीच में प्याज टमाटर खीरा रखा, उसका सैंडविच ले लिया। या फिर एक बाउल आप छोटी कटोरी स्प्राउट्स के ले सकते हो, मखाने ले सकते हो, फ्लेवर्ड मखाने ले सकते हो, या फिर काले चने ले सकते हो। बहुत सारी ऑप्शन है, इनमें से कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद आते हैं हम लोग बहुत ही आराम से हमारे डिनर की तरफ। डिनर यार 7-8 बजे से पहले आपको लेना है, 8 को एक्सीड नहीं करना है। उसमें आपको क्या लेना है, 1 चपाती जो आटा आपने दोपहर को गूंदा था उसका, लेकिन उसके साथ 1 कटोरा लगभग आपको दाल का लेना है। दाल जो है वो मूंग की दाल का इस्तेमाल करना है जब भी आप 7 दिन ये डाइट फॉलो करेंगे। 7 to 10 days आप इस डाइट को फॉलो करिए। लेकिन ये नहीं है, आपको इफेक्ट धीरे धीरे आना शुरू होगा, ये नहीं कि 7-10 दिन ही करना है। अगर आप रेगुलर रूटीन में आप 1 महीना यूज करिए, आपकी बॉडी में जितना भी एक्सेसिव फैट है वो सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हैं। 1 कटोरा आपको मूंग की दाल का लेना है, साथ में 1 चपाती लेनी है। देन 1 दिन आपको सब्जी लेनी है ऑल्टरनेट, मतलब 1 दिन मूंग की दाल 1 दिन सब्जी, मूंग की दाल सब्जी। इससे आपकी डाइट जो है बैलेंस हो गई। अब रात को सोने से पहले हम क्या करें, तो सोने से पहले 1/2 चम्मच आपको लेने हैं चिया सीड्स, पानी में भी डिसॉल्व नहीं करना है, नॉर्मल चम्मच लेके पानी से निगलना है और सो जाए। साउंड स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोशिश करिए 11 से 12 बजे तक आप सो जाएं, ताकि 6 घंटे की तो एटलीस्ट आपको प्रॉपर नींद मिले। 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रात की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी डाइट थी, बहुत ही बैलेंस डाइट थी। आप 1 महीने में up to 10 kg तक वेट लूज कर सकते हैं इस डाइट से, प्लस इंचेस। और ऐसा नहीं है जिसको 2-3 किलो कम करना है, आप नॉर्मल करो या 10-15 दिन में आप बॉडी को बैलेंस कर लोगे। बहुत ही हेल्दी डाइट रहेगी। किसी भी तरह के घी का इस्तेमाल नहीं करना है, रिफाइंड का, ऑयल का। जो भी दाल सब्जी आप बना रहे हैं उस टाइम पे आप देसी घी का इस्तेमाल करें, या फिर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, या फिर सरसों के तेल का। रिफाइंड का इस्तेमाल नहीं करना है, या डालडा घी का इस्तेमाल नहीं करना है। इसी के साथ यार वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मेजॉरिटी देखती हूँ, वही वीडियो लेके आती हूँ। और लास्ट जो मैंने बताया कि जो लोग जनरली वेट लूज करना चाहते हैं, जिनके पास बहुत टाइम नहीं है, तो जो उद्वर्तना की हम प्रक्रिया करते हैं इसमें 15 दिन का हम टाइम लेते हैं। इसमें आप 15 दिन हम आपको सात्विक आहार देंगे, आप इसमें 6 to 7 kg तक 15 डेज में लूज कर सकते हो। रिजल्ट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सबकी बॉडी अलग होती है। द्रोणी पे यहाँ पे हम एक रिलैक्सिंग थेरेपी देते हैं, स्टीम चैम्बर है,
हम बॉडी रैपिंग करते हैं इसमें, बॉडी रैपिंग में हम टमी टकिंग करते हैं, पूरी बॉडी को एक पूरा मतलब हीट अप करके बॉडी को रैप करते हैं बहुत ही नेचुरल वे से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी तरह की मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, हमारी जो भी चीज़ है वो पूरी तरह से कस्टमाइज एंड नेचुरल है। तो आप लोग यार वो भी बुकिंग कर सकते हैं। हमारे पूरे ट्रीटमेंट की मैं कॉस्ट भी आपको बता देती हूँ कि हम 15 डेज की थेरेपी का जो पूरा कॉस्ट है 15,000 to 20,000 लेते हैं, लेकिन इतने में हम इतना वेट आपका लूज करके देंगे, जो रीगेन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इतना मैं चैलेंज कर सकती हूँ, बिल्कुल ओपन चैलेंज है इस चीज़ में। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रहते हैं या आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, आप वहाँ एक बार पूरा वेट लूज का कन्फर्म करके आइए। अगर आपको कोई 15 डेज का पैकेज 40,000 to 50,000 से कम दे दे तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, इतना मैं चैलेंज कर सकती हूँ। हमारे प्राइस जो है इंडियन गवर्नमेंट की आप वेबसाइट पे जाके चेक करिएगा, उनके प्राइस से, आयुष के जो प्राइस है उससे कम प्राइस है हम लोगों के। तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है वेट लूज के लिए, आप किसी भी तरह की, आपको बहुत से लोग हैं वेट गेन नहीं होता उनका, बहुत तरह के उन्होंने ट्रीटमेंट ले लिया, अच्छा खाना मेडिसिन सब, उनके लिए हम यार वस्ती ट्रीटमेंट देते हैं, बॉडी से वात को एलिमिनेट करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसमें भी। तो आप रसायन चिकित्सा के माध्यम से वेट गेन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे विजिट करना होगा और आप हमसे कॉन्सल्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन है उस पर आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट, हम डोर स्टेप डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं और डोर स्टेप डिलीवरी में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पंचकर्मा में अगर हमारे पास वैकेंसी भी हो तो दिल्ली में जो नियर बाय एरिया है वहाँ पे हम होम सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं जो लोग बहुत इजीली, पर उसमें चार्जेस जो है वो चेंज रहते हैं क्योंकि हम होम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन वीडियो को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार देने के लिए और हमारे परिवार को। जल्दी जल्दी यार हमें बहुत आगे तक जाना है, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद।